बर्ब सूट की कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप बर्ब सूट को बेटर और इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। साथ ही साथ उससे आपका टाइम भी बचेगा एंड प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो क्यों ना हम इन टिप्स को जाने, राइट? तो चलिए आज की वीडियो में यही सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे, ताकि हम बर्ब सूट को इफेक्टिवली यूज कर सके। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डब्ल्यू एस क्यूब साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। और इसी के साथ अगर आप साइबर सिक्योरिटी में और डिटेल नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCEH प्रोग्राम, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बाय डब्ल्यू एस क्यूब टेक, जहां पर आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड के बारे में बहुत सी डिटेल समझेंगे, इन डिमांडेड स्किल्स को सीखेंगे एंड खुद को नरिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के अब वीडियो को आगे शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, वैसे बहुत एक छोटी सी चीज है, स्टिल ये काफी बड़ा इम्पैक्ट करती है, जो कि है अपने इंटरसेप्ट बटन को ऑफ करना एट स्टार्टअप। जब भी आपका सिस्टम स्टार्ट होता है, वो हमेशा इंटरसेप्ट को ऑन कर देता है। आपको वो ऑफ रखना है सेटिंग्स में जाके, ताकि इंटरसेप्ट ऑटो ऑन न हो जब भी आप बर्ब सूट को स्टार्ट करें। आप इसको इजीली कर सकते हैं सेटिंग्स टूल्स एंड देन आप जा सकते हैं प्रॉक्सी एंड देन डिसेबल इंटरसेप्ट, यही आपको करना है। सेकेंड चीज जो आपको ध्यान रखनी है, अपने टारगेट को फिल्टर करना, यानी सेटिंग्स में जाना है, फिल्टर सेटिंग्स में एंड शो ओनली इन स्कोप को टिक करना है, ताकि ओनली इन स्कोप जो डेटा है वही हमें विजिबल हो, ज्यादा डेटा में हम कंफ्यूज ना हो जाए। अब थर्ड टिप आती है यहाँ पर, आउट ऑफ स्कोप वाले टारगेट्स को लॉगिंग ऑफ रखना। देखिए, अगर हम आउट ऑफ स्कोप की लॉगिंग ऑफ रखेंगे तो ही हमारा सिस्टम बेटर वर्क करेगा। नहीं तो सोच के देखिए, हमारा मेन स्कोप एक वेबसाइट है, उसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो लॉग करी जा रही है। सोचिए कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा हमारे सिस्टम पे, हमारे प्रोसेसिंग पे एंड हमारे टाइम पे, राइट? बर्ब सूट कई सारे रिसोर्सेज यूज़ करेगा और अपना टाइम अलग अलग जगह भी डालेगा, हमें वो ऑफ करना है। तो जब भी आप ओनली इन स्कोप को सेलेक्ट करते हैं, ऊपर वो बोलता है लॉगिंग री इनेबल, वो आपको नहीं करनी है, ताकि वो सारियों को आउट ऑफ स्कोप को इनेबल करना शुरू ना कर दे। आपको आउट ऑफ स्कोप की लॉगिंग ऑफ रखनी है, इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फोर्थ टिप है, मैं आपको कुछ एक्सटेंशन बता देता हूँ जो आपके काफ़ी काम आ सकते हैं, तो आप इन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। पहला एक्टिव स्कैन प्लस प्लस, सेकेंड है ऑथ एनालाइजर और थर्ड है टर्बो इंट्रूडर। ये कुछ एक्सटेंशन है जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं उसमें। हाँ, आप और भी कई सारे इंस्टॉल कर सकते हैं, बट स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे आपके टास्क में। फिफ्थ सेटिंग, अब ये ऐसा कुछ टिप तो नहीं रहेगी, स्टिल आप सेटिंग्स में जाके डार्क मोड इनेबल कर सकते हैं अपने बर्ब सूट का। अब ऐसा जिससे तो कोई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, स्टिल आपके आंखों पे स्ट्रेन कम पड़ेगा, जिससे आप लॉन्ग टर्म तक पेंट्रेशन टेस्टिंग कर पाओगे, क्योंकि आंखों पे स्ट्रेन पड़ने से फिर सर भी दुखता है एंड फिर हम कॉन्सेंट्रेट सही से नहीं कर पाते, तो काइंड ऑफ ये भी एक टिप्स काउंट हो सकती है, राइट? लास्ट टिप जो है वो है आपकी प्रोजेक्ट की सेटिंग्स को सेव करना। ठीक है, हम हर बार जब भी कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, वही जो हम सेटिंग्स बार बार करते हैं उन्हें हमें वापस रिपीट करना पड़ता है, क्यों ना हम प्रोजेक्ट की सेटिंग्स को चेंज कर दें, कि जैसा हमने एक बार सेट किया हर बार हमारा प्रोसेस वैसे ही सेट रहना चाहिए, भले ही वो कोई भी टारगेट हो, है ना? हमें बार बार ये चीज़ें नहीं सेट करनी है कि ऐसा सेट करो उसको, इसकी सेटिंग जैसे होनी चाहिए, नहीं, हम एक बार सेट करेंगे एंड फिर प्रोजेक्ट पे हमें प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे जाना है एंड सेव प्रोजेक्ट सेटिंग पे क्लिक कर देना है। अब जिससे जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट और ओपन करेंगे, हमें सिर्फ बस वो सेव करी हुई सेटिंग्स को लोड करना है, ताकि हमारा टाइम इजीली यहां पर बच जाए। तो ये वो 6 टिप्स है जो आप यूज कर सकते हैं व्हाइल परफॉर्मिंग पेंट्रेशन टेस्टिंग यूजिंग बर्ब सूट, जो कि आपको काफी हेल्प करेगी आपकी डे टू डे पेंट्रेशन टेस्टिंग जर्नी में। तो होप आपको ये टिप्स पसंद आई हो। अब इसमें से आपकी फेवरेट टिप कौन सी है या कौन से टिप्स आप पहले से यूज करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।